रणजी ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल मुकाबला मुंबई बनाम मध्य प्रदेश के बीच बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने चाय तक 216 रन बना दिए। इस दौरान टीम ने अपने 4 विकेट भी गंवाए। मुंबई के लिए कप्तान पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर एक बार फिर से 87 रनों की साझेदारी लगा के दी। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इस मुकाबले में एक बार फिर से युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली। यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस सीजन के रणजी ट्रॉफी में जमकर बोला है, जहां बल्लेबाज के बल्ले से ढेरों रन निकले हैं। आज भी फाइनल मुकाबले की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के लिए 163 गेंदों का सामना करते हुए 78 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान बल्लेबाज ने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। यशस्वी जायसवाल ने अपने कप्तान पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने हर बल्लेबाज के साथ थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। हालांकि चाय से पहले मध्य प्रदेश की टीम ने खेल में वापसी करके दिखाई और लंच के बाद दूसरे सत्र में 3 विकेट निकाली। इस दौरान मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल का भी शिकार किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से सीजन बल्लेबाजी की है वो ये बताता है कि आने वाले समय में भारतीय टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल की भी जगह बनती दिखाई दे रही है। यशस्वी जायसवाल ने इस सीजन 99 की बेमिसाल औसत से 497 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल ने फाइनल के अलावा सेमीफाइनल में भी शानदार पारी खेली थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में 181 रनों की शानदार पारी खेली थी। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में अब तक 3 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है। लगातार उनके बल्ले से रन निकलने का मतलब ये है कि भारतीय क्रिकेट अब सही हाथों में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।